प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है कि रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो अब अगला पॉइंट्स आता है कि रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल आल्सो। तो यहाँ आप लिख लेते हैं कि रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल बोथ। अगर हमारे पास कुछ रजिस्टर्स रखे हुए हैं तो उनको हम सीरीज में और पैरेलल में दोनों जोड़ेंगे, तो वो उनका फार्मूला कैसे बनेगा वो हमें देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जो है एक यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एक रजिस्टर हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, अगर कोई ये और एक रजिस्टर हमारे पास ऐसे रखे हुए हैं, और एक और इस तरीके से बना दिया गया। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स इन सभी के पॉइंट्स, ये तीन रजिस्टर्स ऐसे रख दिए जाएं, अब बात आती है स्टूडेंट्स इसका नाम दे दिया जाए R1, R2, R3। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इन दोनों को पैरेलल में हम कर दें। पैरेलल में करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम निकाल कर अगर B पॉइंट इसको कह दें और इसको यहाँ से जोड़ कर और इस पॉइंट्स को अगर हम लोग जो है एक्सिट करके A कह दें, तो अब इस केस को स्टूडेंट ये कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल बोथ। यहाँ पे पैरेलल में जोड़ दिया गया है, जब इसका जो है हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये सीरीज में इसके और इसके आ जाएगा। वो कैसे होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए हाउ टू सॉल्व। स्टेप वन हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R2 और R3 का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड R इक्विवेलेंट R2 R3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट R2 R3 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आगे करेंगे स्टूडेंट्स अगर बराबर में, तो ये देखा गया कि नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो R2 मल्टीप्लाई बाई R3 और यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा R3 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा और आगे चलिए। तो अब ये देखा गया है कि यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है 1/R इक्विवेलेंट में, तो R3 प्लस R2 और यहाँ पर R2 मल्टीप्लाई बाई R3। लेकिन अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना होगा यहाँ पे स्टूडेंट R इक्विवेलेंट बिटवीन R2 एंड R3। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जब ये पलटेगा तो ये पलट के ऊपर कहाँ चला जाएगा, ये R2 और ये R3 में चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, R3 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला निकलता है इन दोनों के बीच का। अब ये जब बन जाता है स्टूडेंट, तो इतना करने के बाद जो है हमें R इक्विवेलेंट R3 और R2 मिल जाता है, ये वैल्यू ये मिल जाएगी हमें। उसके बाद इसको हम जो है इससे सीरीज में जोड़ देंगे। वो कैसे होगा ये देख लीजिए। मान लिया जाए अगर यही पॉइंट्स यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर रख दिया जाए, ए पॉइंट्स यहाँ पर बराबर कर दें और इसको रजिस्टर्स को ऐसे अगेन यहाँ पर ऐसे निकाला जाए और इसको जो है हम यहाँ R1 कह दें, और यहाँ पर यही रजिस्टर्स जो निकल के आया है इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको ऐसे जोड़ा जाए, और ये क्या निकल के आए, R इक्विवेलेंट बिटवीन R2 और R3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट B हो जाता है। तो एक रजिस्टर ये हो गया और एक रजिस्टर ये हो गया, तो अब इन दोनों को सीरीज में हम जोड़ सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इनको जोड़ने के लिए स्टूडेंट ये देखा जाए तो ये फार्मूला यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से कि कैसे इसका बनेगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, अब स्टूडेंट्स ये दोनों की बात हो रही है, A और B की भी बात हो रही है कि यहाँ पर A और B के बीच में किस तरीके से R इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट A एंड B निकलिए, तो सीरीज में जोड़ने के लिए डायरेक्ट स्टूडेंट्स हम लोग जोड़ देते हैं R1 प्लस R इक्विवेलेंट R2 और R3।
तो अब इसको जो है हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यानी शुद्धिकरण अगर हम करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, कि आप लिखेंगे आर इक्विवेलेंट ए बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाई आर थ्री अपॉन आर थ्री प्लस आर टू। स्टूडेंट्स ये जो है हमारा फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हम याद करेंगे कि कैसे ये निकाला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है आप जो है इस चीज़ का जो है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख सकते हैं कि अगर हमें जो है ए और बी के बीच में जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला जो है स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से। आर इक्विवेलेंट ए एंड बी इज इक्वल टू ये फार्मूला बनाया गया है आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाई आर थ्री अपॉन होल में क्या करेंगे हम आर थ्री प्लस आर टू को प्लस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे बेसिक से हम लोग सॉल्व करना न्यूमेरिकल चालू करेंगे, न्यूमेरिकल के बाद जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और आगे फिर अगला पॉइंट्स हम लोग अगले टॉपिक पे हम लोग चलने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जो है इस चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे कि हम लोग आगे पढ़ सकें।